नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम निर्गुंडी के विषय में बताएंगे। निर्गुंडी क्या है? हमारे प्रांगण में डॉक्टर दीपक ठाकुर सर आपको निर्गुंडी के विषय में बताएंगे कि निर्गुंडी को का उपयोग क्या है, निर्गुंडी कैसे इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट क्या है और निर्गुंडी किस तरह की दिखती है, उसके बारे में संपूर्ण नॉलेज इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो आप दीपक ठाकुर सर, आप इस बारे में बताइए सर। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपक ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर LN आयुर्वेद कॉलेज भोपाल। आज हम निर्गुंडी के बारे में देखेंगे। ये निर्गुंडी प्लांट है, ये हमारे गार्डन में उपलब्ध है और इसका हम मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, इसका प्रयोग पढ़ेंगे, हम कैसा प्रयोग करते हैं, हम इसका किस किस रोगों में इसका प्रयोग करते हैं, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो निर्गुंडी को निष्काश्य व्याधीन गुड़ेति शरीरम रक्षेति, यानी कि जो रोगों से शरीर की रक्षा करता है, इसलिए इसको हम निर्गुंडी कहते हैं। तो जनरल इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि इसका लेटिन नेम है वाइटेक्स निगुंडो, फैमिली इसकी है वर्बिनेसी फैमिली और हिंदी में इसे हम सिंधुबार या समालू कहते हैं, मराठी में इसको हम नगोड़ बोलते हैं और इंग्लिश में इसे फाइव लीव चेस्ट ट्री बोलते हैं। तो फिर इसका हम इसको चेस्ट ट्री बोलते हैं। तो ये अपन इसको पत्ती देखेंगे, इसकी पत्ती हम है ना, ये चेस्ट के समान और इसमें स्पष्ट सिराय दिखाई दे रही है ना, ये रिब्स जैसे दिखाई दे रही है, इसलिए इसको चेस्ट ट्री बोलते हैं है ना, इसकी पत्तियों को। फिर हम इसको मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन आगे हम देखेंगे। तो ये 6 से 30 फीट ऊंचा बहुवर्षायु गुल्म होता है। तो आप ये देख सकते हैं, इसकी हाइट आप देख सकते हैं और इसकी तुअक हम देखेंगे तो ये धूसर वर्ण की होती है। तो हम तुअक आप देखेंगे तो ये धूसर वर्ण की दिखाई दे रही है, इसकी जो स्टेम होती है और इसकी जो छाल होती है वो धूसर वर्ण। नेक्स्ट हम इसकी पत्ती के बारे में देखेंगे तो ये जो इसकी लीफ होती है, पत्ती होती है, वो अरहर की पत्ती के समान दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं अरहर की पत्ती भी इसी टाइप की से दिखाई देती है। और नेक्स्ट हम देखेंगे तो इसके पुष्प, तो पुष्प हम देख सकते हैं इसमें इस टाइप के ये पुष्प भी आ रहे हैं इसमें। तो पुष्प ये दो टाइप से बताया गया है कि नील पुष्पी और श्वेत पुष्पी। तो ये हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो श्वेत पुष्पी, और श्वेत पुष्पी को ही सिंधुबार बोला है। तो हम देखेंगे आचार्य चरक ने सिंधुबार को श्वेत पुष्पी बोला है और निर्गुंडी को नील पुष्पी बोला है। देन इसके बाद इसके फल के बारे में हम देखेंगे। तो फल अभी आना बाकी है, अभी इसके बाद फल आएंगे, पुष्प के बाद फल आएंगे। तो फल गोलाकार होता है तथा पकने पर एक कृष्ण वर्ण के हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा ये क्वेश्चन है कि इस सिंधुबार यानी निर्गुंडी का वर्णन किस किस निघंटुओं में आया है, कहाँ कहाँ इसका वर्णन अलग से मिलता है या कहाँ कहाँ इसके बारे में किस किस किताबों में वर्णन मिलता है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे? जी सर का क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि इसका जो वर्णन आया है, आचार्यों ने भी वर्णन किया, निघंटुकारों ने भी वर्णन किया है। तो निघंटुकार में धन्वंतरी निघंटु में आया है, शोडल निघंटु में आया है, केवधो निघंटु में आया है, वृंदमाधव निघंटु में आया है और भाव प्रकाश में वर्णन आया है कि निर्गुंडी को नील पुष्पी और सिंधुबार को श्वेत पुष्पी बोला है। ऐसे आचार्यों ने भी वर्णन किया है, जैसे चरक में आया सिंधुबार को श्वेत पुष्पी और विषयज्ञ ने बताया है और निर्गुंडी को नील पुष्पी और क्रमयज्ञ ने बताया है। तो इस तरह अलग अलग आचार्यों और निघंटुकारों ने बताया है सर। तो डॉक्टर साहब जो बताइए, इसकी उत्पत्ति स्थान, ये इसकी उत्पत्ति निर्गुंडी कहाँ से हुई है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और चिकित्सा में इसका क्या उपयोग है? जी, इसकी उत्पत्ति स्थान के बारे में हम देखेंगे तो ये सर्वत्र भारत में पाया जाता है, हर जगह ये प्लांट मिलता है आपको, चिकित्सा पर्पज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके गुण कर्म के आधार पर हम चिकित्सा में प्रयोग करेंगे, यानी कि रस पंचक के आधार पर हम इसका प्रयोग करेंगे। तो रस पंचक हम देखेंगे तो इसका रस तिक्त कटु कसाय रस होता है, गुण इसका लघु रुक्ष गुण होता है, विपाक कटु होता है और वीर्य उष्ण होता है।
तो इसी के आधार पर हम चिकित्सा देखेंगे। तो दोष कर्म में यह कफ वात शामक होता है, यानी कि कफ और वात का शमन करता है। हम इसका भाव प्रकाश निघंटु के गुणच्छादी वर्ग में आया है कि सिंधुक स्मृति दस्ति कषाय कटुक लघु केस्यो नेत्र हितो हन्ति शूल शोतम आम मारुतान क्रमी कुष्ठ अरुचि श्लेष्म ज्वर अन्नी लापी तद्दुव्या, यानी कि ये स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। तीक्ष्ण कटुरस युक्त लघु गुण होने के कारण केश तथा नेत्र के लिए हितकारी होता है ना। शूल शोत और आमवात में इसका प्रयोग करते हैं, कृमि में, कुष्ठ में, अरुचि में, कफज्वर आदि में इसका प्रयोग करते हैं। तो अलग अलग आचार्यों ने भी इसका वर्णन किया है कि काश में सुश्रुत ने बताया है कि यह काश नाशक होता है, वृंद माधव में आया है कि यह गंडमाला नाशक होता है, और रसरत्न समुच्चय में आया है कि यह वात व्याधि में इसका प्रयोग करते हैं, और बांगसेन में आया है कि यह पुतिकर्ण यानी कि पश फार्मेशन कान का बहना उसमें इसका प्रयोग बताया गया है। अन्य प्रयोग भी हम देखेंगे, जैसे कटुरस उष्ण वीर्य से यह दीपन पाचन करता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है। तो आयुर्वेद में आया भी है कि सर्वे रोगा मंद अग्नि, यानी कि जब मंद अग्नि हो जाती तो सारे रोग उत्पन्न होते हैं, तो ये अग्नि को प्रदीप्त करता है, यानी कि सारे रोगों में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। देन उसके बाद वात शामक और स्मृति वर्धन होने के कारण इसका प्रयोग हम उन्माद, अपस्मार, भ्रम, प्रलाप, संज्ञानाश आदि में हम इसका प्रयोग करते हैं। निर्गुंडी का आमरस का पाचन करने के बाद यह करके मज्जा धातु का पोषण करती है, जिससे ये केश खालित्य पालित्य आदि में इसका प्रयोग करते हैं। वात शामक होने के कारण ये शूल में, शिरशूल, शिरोगौरव में निर्गुंडी पत्र हम लेंगे और उसका स्वरस निकाल के नश्य देंगे। देन कटु तिक्त रस होने के कारण यह कृमिनाशक भी होता है, कृमि का नाश भी करता है। निर्गंडी का स्वरस निकालकर हम विषम ज्वर, वात कफ ज्वर आदि में भी इसका प्रयोग करते हैं। सर बताइए कि इसके निर्गुंडी के जो पंचांग हैं, पत्र, पुष्प, जड़ और आदि जित फल फूल जितने भी हैं, इनका उपयोग हम किसी में मिलाकर किन किन रोगों पर प्रयोग कर सकते हैं, और इसको क्या हम किसी के साथ मिलाकर भी दे सकते हैं? इस चीज़ को आप थोड़ा सा इस चीज़ पर प्रकाश डालिए, बताइए दर्शकों कि इसका मेडिसिनल उपयोग क्या है और कैसे हम इसका उपयोग करें। जी, इसका पार्ट यूजफुल होता है और अलग अलग पार्ट का हम प्रयोग बताएंगे कि हम कौन कौन से अलग पार्ट और अलग रोगों में इसका प्रयोग करते हैं। तो निर्गुंडी के पत्ते का हम स्वरस लेंगे, उसको घृत के साथ मिलाकर कफज विषर्प में इसका प्रयोग करेंगे। निर्गुंडी की मूल का स्वरस निकाल के हम सर्प विष में इसका प्रयोग करेंगे, यानी कि निघंटुकारों ने इसका सर्प विष में भी इसका प्रयोग बताया है गया। निर्गुंडी पत्र को लेंगे और इसको घी में छोकर रक्त पित्त में भी देते हैं, इसको रक्त पित्त में इसका प्रयोग करते हैं। और निर्गुंडी की मूल, पत्र, पुष्प, फल से सिद्ध जो घृत बनाएंगे हम, उसका हम क्षय रोग या शोष रोग में भी इसका प्रयोग करते हैं हम। और निर्गुंडी मूल को हम जल में घिस कर इसके गंडमाला नाशक में भी इसका प्रयोग करते हैं। देन निर्गुंडी पत्र का क्वाद बनाकर मरीच चूर्ण मिलाएंगे और कफज ज्वर में इसका प्रयोग करेंगे हम। तो इस तरह से हम अलग अलग लोकल एप्लीकेशन और इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह टाइप से हम इसका प्रयोग करेंगे। इसका प्रज्ञांग देखेंगे तो प्रज्ञांग में इसकी मूल, पत्र, बीज, त्वक प्रयोग करते हैं। देन इसकी मात्रा में हम देखेंगे चूर्ण की मात्रा 1 से 3 ग्राम, स्वरस की मात्रा 10 से 20 ml होती है, और विशिष्ट कल्प में है निर्गुंडी तेल जो पंचकर्म में यूज होती है, निर्गुंडी ग्रहत, ये सब हम इसका विशिष्ट कल्प है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि हमारे दीपक ठाकुर सर ने आपको निर्गुंडी के विषय में सब कुछ बताया। मेरा ओपिनियन ये है कि निर्गुंडी का सबसे ज़्यादा उपयोग जो हम लोग करते हैं पंचकर्म में, सबसे ज़्यादा इसका पत्र पर, इसके पोटली पत्र बना करके हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे अरंडी का करते हैं ऐसे निर्गुंडी का भी करते हैं। और दूसरा ये कि इसी के पत्तों का हम काढ़ा बना के और उसको उसी का स्टीम देते हैं, तो ये पंचकर्म में विशेष इसका उपयोग है जो मैंने समझा। बाकी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हम अगली बार एक नई ड्रग लेके आएंगे वासा के विषय में, वासा के विषय में आपको बताएंगे अगली ड्रग के विषय में।
और इसी तरह के आप लोगों का स्नेह और प्यार मिलता रहे। हम लोग ऐसे ही आज से बहुत सारी ड्रग्स आपको बनाते रहेंगे। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।